नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के एक स्टेट यूनिवर्सिटी से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन में बहुत सारे वैकेंसीज देखने को मिलेगा इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, क्वालिफिकेशन के साथ साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसी एंड टोटल वैकेंसी क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर के साथ साथ लास्ट डेट क्या है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए अपलोड करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है चैप्टर वाइज यानी कि 1, 2, 3, 4 करके यहाँ पे टाइटल दिए गए हैं, आपको क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा इस नोटिफिकेशन में। बिकॉज ये 40 पेजेस का नोटिफिकेशन है, इसीलिए ऐसा बुलेटिन बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यानी कि एक शॉर्ट नोटिस आपको देखने को मिलेगा, कितना पोस्ट है, कब लास्टेड है, ये सारे सब कुछ। एंड देन इम्पोर्टेंट डेट्स आता है वहां पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, प्रोफेसर के लिए कितना कौन से डेट है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या डेट है, क्लोजिंग डेट क्या है, एप्लीकेशन फीस, देन पोस्ट एडवर्टाइज, कौन कौन से डिपार्टमेंट से पोस्ट को वैकेंसीज रिलीज किया गया है, एंड देन तीनों पोस्ट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, ये सारे सब कुछ हम जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स पर। तो देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए, यहाँ पे 10 तारीख को यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एंड 15 तारीख को यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोजीशन के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है। यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो है वो लिंक जनरेट होगा 10 तारीख से फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट एंड प्रोफेसर पोजीशन के लिए 15 तारीख से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड 31 तारीख यानी कि 31 जुलाई तक यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट इज 31 जुलाई। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पर। तो देखिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जो है 2000 रखा गया है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, फीमेल ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली 1000 रुपीज, एससी बीसी बीसीबी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट 500, थर्ड जेंडर के लिए 500 एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली कोई फीस नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स दिए गए हैं, सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स ऑफ टीचिंग पोस्ट। तो सबसे पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, इसमें आपको बहुत सारे वैकेंसीज देखने को मिलेगा, लगभग जो है 46 वैकेंसीज। पे स्केल क्या है, यहाँ पे पे लेवल 10 रखा गया है, जिसके चलते एंट्री बेसिक सैलरी बनता है 57,700 रुपीज पर मंथ एंड मैक्सिमम सैलरी इज 1,82,400 रुपीज पर मंथ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ पोस्ट, एंड उसके साथ आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिलेगा। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे जो दिए गए हैं इसकी जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ से जो है आपको बिल्कुल जो है करेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है जो भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्या क्या डिपार्टमेंट है, जैसे कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, इंटीग्रेटेड एंड ऑनर सब्जेक्ट स्टडीज, लॉ, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे और भी है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी स्कूल मैनेजमेंट एंड देन जूलॉजी। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आपको 46 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन, जहाँ पे लेवल आपको 13A रखा गया है, जिसके चलते आपको सैलरी मिलने वाला है 1,31,400 रुपीज पर मंथ, एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट है बॉटनी, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। 4 वैकेंसीज है यहाँ पे फॉर एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन। प्रोफेसर पोजीशन के लिए भी 4 वैकेंसीज है, यहाँ पे लेवल 14 रखा गया है, जिसके चलते इंटर बेसिक सैलरी बनता है 1,44,200 रुपीज पर मंथ, एंड डिपार्टमेंट है यहाँ पे कॉमर्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जूलॉजी। ठीक है, ये जितने भी सारे वैकेंसीज मैंने बताया सारे टेंटेटिव है, बाद में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी पर। ओके, तो यहाँ पे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो कि आप लोग चेक कर ले एक बार बिफोर एप्लीकेशन, एक बार जरूर गो थ्रू करें एप्लीकेशन को, सॉरी नोटिफिकेशन को। कोई भी टीएडीए यहाँ पे नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, एंड जो अभी करंट एम्प्लॉय है, मतलब
कहीं पे भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, पीएसयूज, तो वहां पे आपको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी सबमिट करना होगा। अगर आपके पास पब्लिकेशंस हैं तो फिर ऑफ ऑल पब्लिकेशंस आपको जो फर्स्ट पेज है वो अपलोड करना है ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मिनिमम एलिजिबिलिटी पर चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शंस है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी इज, मास्टर्स डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए इन अ कंसर्न्ड और रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके साथ आपका नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट वो क्लियर होना चाहिए। अगर नेट क्लियर नहीं किया है देन स्टेट लेवल पर जो कंडक्ट किया जाता है स्लेट या फिर सेट में से कोई भी एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अगर नेट स्लेट सेट में से कोई भी एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया है देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। पीएचडी डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो किया जाता है जो कि आप यहां से चेक कर सकते हैं, जिससे रेगुलर मोड पे आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए। पीएचडी थीसिस एटलीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेलुएट होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें एक बार आपको देखने की जरूरत है, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे पूछते हैं कि उन्होंने डिस्टेंट मोड से कंप्लीट किया है पीएचडी तो वो एलिजिबल है या नहीं, बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए नोटिफिकेशन को बार बार गो थ्रू करने की जरूरत है। आप बोलेंगे कि आपके पास पीएचडी डिग्री तो है बट आपका जो है नाम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकता है। तो छोटे छोटे जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है इन द कंसर्न डिसिप्लिन। मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए। 8 साल की एक्सपीरियंस टीचिंग रिसर्च किसी भी फील्ड से हो सकता है एंड रिसर्च स्कोर जो है वो 75 होना चाहिए। पब्लिकेशन की बात करें तो मिनिमम 7 पब्लिकेशन वो भी पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोफेसर पोजीशन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। तो आपका जो है यहाँ पे पीएचडी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए इन कंसर्न और एलाइड डिसिप्लिन, 10 रिसर्च पब्लिकेशन वो भी पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में, टोटल रिसर्च स्कोर 120 होने के साथ साथ 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर लेवल पे। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, रिसर्च एक्सपीरियंस है 10 साल की, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी मैंने पोस्ट के बारे में बताया सभी के सभी यहाँ पे जो है परमानेंट पोजीशन है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखिए ग्रेजुएशन में अगर आपने 80% या फिर उससे भी ज्यादा मार्क्स मिला है तो 15 स्कोर मिलेगा, 60% to 80% के बीच में तो 13 स्कोर मिलेगा। तो इसी तरीके के आप हर एक लेवल पर चेक कर सकते हैं, जैसे आपने पीएचडी कंप्लीट किया है तो 30 स्कोर, नेट विद जेआरएफ अगर किया है तो 7 स्कोर एंड नेट विदाउट जेआरएफ किया है तो 5 स्कोर इसी तरीके के आपको देखने को मिलेगा। एंड टोटल मार्क्स टोटल स्कोर यहाँ पे 100 है जिसमें से एकेडमिक स्कोर 80, रिसर्च पब्लिकेशन 10 एंड टीचिंग एक्सपीरियंस 10 रखा गया है। आपको कितना मिलता है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, ओके। उसके बाद यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, जो भी सर्टिफिकेट की जरूरत है आपको वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको यहाँ से यूज करना है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम आपको अपलोड करना है। तो दोनों तरह से एप्लीकेशन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना है। बट ये यहाँ पे जो है क्लियरली मेंशन नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक प्रिंट आउट आपको लेना है बट वो सेंड करना है कि नहीं वो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। अगर सेंड करना होता तो फिर इम्पोर्टेंट डेट्स पर वो भी मेंशन किया जाता कि हार्ड कॉपी आपको किस टाइम से पहले जो है किस डेट से पहले सेंड करना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। तो फिलहाल यहाँ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जरूर ट्राई कीजिए। एंड ये नोटिफिकेशन आया है हरियाणा के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेते, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जो है नीचे जो है रिक्रूटमेंट में फ्लोटिंग नोटिफिकेशन में मिल जाएगा लिंक, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए एंड देन एक बार जो है बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन एक बार जरूर गो थ्रू करें एंड उसके बाद आप जो है एप्लीकेशन को कम्प्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर के ये वीडियो आपको नीडफुल या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी 100% आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए एंड उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।